थोड़े से स्वाध्यायी हो तुम्हें रियलाइज होगा, सुन रहे हो मेरी बात, हर जीव अपना अपना खेल खेल रहा है। इस थ्री डायमेंशनल स्क्रीन पर हर जीव अपना अपना खेल खेल रहा है, सुन रहे हो क्या? एक दूसरे को एनरोल करते रहते हैं। मेरे ड्रामा में तुम भी शामिल हो ना थोड़ा सा, प्लीज कम प्ले विथ मी इन माय ड्रामा। Somebody says, I don't want to play with you. तुम कहते जाओ तुम अपना ड्रामा खेलो। This is exactly what we are living like, my dear. Please wake up. Do you think your emotions are truths? Forget about it. सुन रहे हो? Please इसको समझना तो। मैं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति हो, वस्तु हो या परिस्थिति हो या अंदर की मनसा वाचा या कर्म, हर चीज के बारे में, हर व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति पर तुम्हारे मन में कुछ कन्वर्सेशंस होंगे, करेक्ट? कन्वर्सेशन माने उसमें थॉट्स होंगे, इमोशंस होंगे, मेमोरीज होंगी, कुछ जजमेंट्स बने हुए होंगे, राइट रॉन्ग गुड बैड, आई लाइक दिस आई डोंट लाइक दिस, यस बोलो ना। तुम अगर गौर से देखोगे किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, परिस्थिति के बारे में, तुम्हारे जो कन्वर्सेशन है वो तुम्हारा अनुभव बना रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, सुन रहे हो? तुम्हारे कन्वर्सेशन तुम्हारा अनुभव बना रहे हैं, यस। नाउ तुम्हारे जो कन्वर्सेशन है जिसके बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में, मैं जैसे पटारे आज खोले हमने, वैसे मैं कह रहा हूं फिर से पटारे खोल लेना, एक एक परिस्थिति के बारे में, जीवन के एक एक एस्पेक्ट के बारे में क्या कन्वर्सेशन है तुम्हारे, ये देख लो। फिर मैं एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रश्न पूछना चाह रहा हूं तुमसे, चाहो तो तुम अपने आप को पूछ सकते हो, करेजियसली पूछना पड़ेगा। तुम्हारे जो कन्वर्सेशंस हैं रियल है क्या? सुन रहे हो? दूसरा एक रेवोल्यूशनरी प्रश्न है, तुम और करेजियसली पूछ सको तो पूछना, हरिनो मारक छे शुरानो, बकरी का काम ही नहीं है। अगर तुम करेजियस इनफ हो तो दूसरा प्रश्न पूछ के देखना, तुम्हारे जो कन्वर्सेशंस हैं, नंबर वन रियल है क्या, फिर दूसरे तुम्हारे जो कन्वर्सेशंस हैं आर दे वर्किंग फॉर यू, आर दे फॉरवर्डिंग योर लाइफ। इफ दे आर नॉट फॉरवर्डिंग योर लाइफ, आर यू फ्री इनफ टू ड्रॉप देम? थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, अगर नहीं ड्रॉप करना चाहते हो, व्हाट इज इट इन योर लाइफ दैट यू डोंट वांट टू ड्रॉप देम, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ड्रॉपिंग देम? यू विल कम टू योर स्टूपिड ईगो, आई गारंटी यू दैट। तुम्हारा मूर्ख अहंकार तुम्हारे जीवन का कबाड़ा कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा, और अहंकार के मैं जो दो फ्लेवर्स कहता हूं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली खेल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो ऊपर के दिखावे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई रियली होप यू अंडरस्टैंड, योर स्मॉलनेस इज योर बिगेस्ट एनिमी। तुम अपना स्मॉलनेस अगर समझ पाओगे, तुम्हारे स्मॉलनेस से पीड़ित हो और कोई पीड़ा है ही नहीं अस्तित्व में। स्मॉलनेस को समझना, आई एम नॉट ओके वाला भाव होगा, आई एम लेस वाला भाव होगा, आई एम इंफीरियर, आई एम इनएडिक्वेट, आई एम वीक,
से निकली हुई ये सब डालियां गड़बड़ वाली, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बीज एक ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो भाव है सत चित और आनंद का, उसके ऊपर इतने जन्मों के अनुभवों के प्रभाव पड़े हुए हैं। उन प्रभावों में से कुछ प्रभाव तुम्हारे अंदर अभाव जगाते हैं, फीलिंग ऑफ लैक जगाते हैं। उस लैक का बीज तुम्हारे जीवन की सभी अप्रसन्नताओं का कारण है। स्वाध्याय के द्वारा अगर उस प्रभावों के द्वारा ट्रिगर होने वाले अभाव को समझ लो, क्या उन प्रभावों के द्वारा ट्रिगर होने वाले अभाव को समझ लो और बाहर जाने वाली सांस के साथ उसको गुरु के चरणों में समर्पण करना सीख जाओ, जैसे ही तुम प्रभावों से ट्रिगर हुए हुए अभाव को छोड़ते हो, तुम वापिस अपने स्वभाव में आ जाओगे। ये खेल है। द टेक्निकलिटी इज दिस, टेक्नोलॉजी इज दिस, लर्न टू आइडेंटिफाई योर अभावा, लर्न टू सरेंडर इट टू द मास्टर थ्रू योर आउटगोइंग ब्रेथ एंड योर लेटिंग गो, लर्न टू बी फ्री फ्रॉम अभावास एंड कम बैक टू योर स्वभावास, जो सत चित और आनंद है।